भारी बीमारी दुख परेशानी मरना जीना कफन तक के लिए हम देखे हैं वहाँ पर उससे मदद करते हुए। तेरे राज में उल्टी है रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे शिक्षित मांगे भीख। तेजस्वी तो कल का बच्चा है, अब पप्पू यादव के सामने मुकाता के एनडीए भीतर से तो मिला नहीं उसको रहा था, उसको तो डर है कि सीमांचल हड़प लेगा पप्पू यादव। कि पप्पू यादव उसका कौन सा खेत जोत लिया था या जोत लिया है? पप्पू यादव ऐसा नेता है जो सबके दिल में राज कर रहा है। दुनिया में सबसे अच्छा नेता पप्पू यादव है। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार यादव नाम हुआ। ओहो, आप भी यादव जी हैं। देखते यादव और मुसलमान बैठे हुए हैं, बड़ा प्रेम आप लोगों में। प्रेम क्यों नहीं रहेगा, ऐसा थोड़े होता है कि राजा का बेटा राजा बने। यादव के यहाँ जितना कुत्ता खाया होगा भोज, उतना तो उसके भोज में इंसान को नहीं भोज मिला होगा। अभी भी जाके देखो खुर्दा में अर्जुन भवन में, ये तो आरोप लगा रहे हैं। ये डीएसपी यादव बोल जाए कि पप्पू यादव को हिला देंगे, मर्द है वो मर्द। अब पप्पू यादव है वो जीतेगा। हाँ 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 बोलिए। एक कहावत है, बोलिए, कमजोर तब थकता है जब वो हार जाता है और बहादुर आदमी तब थकता है जब वो जीत जाता है। वही है उसका नाम पप्पू यादव। एक होता है पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, दूसरा होता है कुल्हाड़ी पे पैर मारना। हाँ, दोनों तरफ से हाँ, पैर ही कटेगा। अच्छा, समझे? पहले तो कट चुका था हाँ, वो सोचा कि अब कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं हाँ, तो उसका पैर कट गया है, जिसका नाम है तेजस्वी यादव। नमस्कार, सलाम, आप देख रहे हैं वी आवर्स न्यूज़ और मैं हूँ इमरान। तेजस्वी यादव पूर्णिया में डेरा डाल दिए हैं और अपने मंच से बोल रहे हैं कि अगर आप लोग इंडिया को वोट नहीं कीजिएगा तो एनडीए को वोट कीजिए। जो तेजस्वी यादव अपने आप को इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा मानते हैं, वही तेजस्वी यादव एनडीए के लिए वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। आखिर क्या उनकी मजबूरी हो गई कि अपने लिए वोट तो मांग ही रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो आप एनडीए को वोट दो। हम इस बात को लेकर के आम जनताओं से पूछ लेते हैं, मतदाताओं से पूछ लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस मतलब स्टेटमेंट पर। बताइए जरा सा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भैया अगर वोट हमें नहीं देना है तो मत दो, लेकिन थर्ड व्यक्ति को मत दो, पप्पू यादव को मत दो, एनडीए को दे दो। क्या कहेंगे? पप्पू यादव को वोट मत दो, खुला शब्द में बोले हैं। हाँ, यही कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो भाई मेरे वही होता है ना, एक होता है पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, दूसरा होता है कुल्हाड़ी पे पैर मारना। हाँ, दोनों तरफ से हाँ, पैर ही कटेगा। अच्छा, समझे? पहले तो कट चुका था हाँ, वो सोचा कि अब कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं हाँ, तो उसका पैर कट गया है, जिसका नाम है तेजस्वी यादव। हम लोग तो बहुत खुशी खुर्दम के साथ 27 फरवरी को जो रोड शो हुआ था तेजस्वी यादव का, बहुत खिदमत और यानी जितना भी आला लश्कर था हम लोग स्वागत किए तेजस्वी यादव का इसी रोड पे। आकि चलो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है तो सबका सम्मान होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने आप में वो क्या कहता है, घमंड। आखिर हमको तो इतना पब्लिक, पूरा बिहार का पब्लिक हम रोड शो किए, सब हमारा है, तो भाई साहब कहाँ है आपका? हम तो यही देख रहे हैं कि आपको ये दिक्कत हो गया जो हम पप्पू यादव को निगलेक्ट कर दिए हैं, अपनी तरफ से बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा से उतार दिए हैं, तो मौका तो कोई नहीं मिला उसको, न बहलाने का न फंसाने का, तो वही एक भाषा बोल के चला, ना खाएंगे ना खाने देंगे। लेकिन हाँ, पप्पू नहीं जीतना चाहिए क्या? पप्पू यादव वहाँ क्या कहता है? पप्पू यादव से इतनी दुश्मनी क्यों? वही तो हम कह रहे हैं कि पप्पू यादव उसका कौन सा खेत जोत लिया था या जोत लिया है? पप्पू यादव ऐसा नेता है जो सबके दिल में राज कर रहा है। एक मिनट बोल ले दीजिए हमको, राज कर रहा है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, उधर कटिहार ले लीजिए, मधेपुरा ले लीजिए, सुपौल ले लीजिए,
क्या जिला हुआ? हाँ, 5 जिला हो गया, 6 हो गया ना। आप दिल्ली जाइए, कस्तूरबा गांधी मार्ग, वहाँ देखिए रेलवे प्लेटफॉर्म के जैसा आदमी लेटा हुआ रहता है, बैठा हुआ रहता है। पप्पू भाई जहाँ होगा वो आएगा, हमारा मदद करेगा। हारी बीमारी दुख परेशानी मरना जीना कफन तक के लिए हम देखे हैं वहाँ पर, उससे मदद करते हुए, जिसका नाम है पप्पू यादव। और लोगों से भी कि आखिर वे इस पर क्या कहते हैं, आप जरा बता दीजिएगा। आप बता दीजिए सबसे पहले। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भैया अगर मुझे वोट नहीं देना है तो मत दो, इंडिया गठबंधन को नहीं देना है, बीमा भारती को नहीं देना तो मत दो, लेकिन पप्पू यादव को भी ना दो, सीधे एनडीए को दे दो, क्या कहेंगे? ऐसे कैसे मजबूरी हो गया तेजस्वी यादव को कि कह रहा है कि पप्पू यादव को वोट ना दो? पप्पू यादव किसको क्या बिगाड़ रखा है? क्षत्रिय नेता है, बढ़िया नेता है, बहुत बेहतरीन नेता है। तेजस्वी यादव को क्या बिगाड़ लिया? बहुत बेहतरीन नेता है। तो तेजस्वी यादव उनके पीछे पड़े क्यों हैं? नहीं तो ये गलत बात है, वो अपना लड़े, अपना किस्मत आजमाता है वो, उसको उस पर तेजस्वी यादव को पप्पू भारी पड़ गया क्या? इतना बात बोल रहा है कि हमको मत दो, यहाँ भारती को दे दो, इसमें क्या दिक्कत हुआ है? ये अच्छा बात नहीं है। सोच पर क्या कहेंगे जो सबसे बड़ा उनका प्रतिद्वंदी है? पप्पू यादव क्षत्रिय नेता है, पप्पू यादव बहुत बेहतरीन नेता है, पप्पू यादव को जीतना जरूरी है, बहुत सख्त जरूरी है। क्षत्रिय नेता है, हम लोगों का माननीय नेता है। ये डीएसपी यादव भूल जाए कि पप्पू यादव को हिला देंगे, मरद है वो मरद। अब पप्पू यादव जीतेगा। हाँ 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 बोलिए। एक कहावत है, बोलिए, कमजोर तब थकता है जब वो हार जाता है, और बहादुर आदमी तब थकता है जब वो जीत जाता है। वही है उसका नाम पप्पू यादव। वो तो तेजस्वी हार चुका है, अपना हार कबूल कर लिया है दोनों हाथ से। कहीं पे हमसे डिबेट कर ले तेजस्वी यादव, कहीं से हार चुके हैं, बिल्कुल हार चुके। अरे भैया आत्मा तो से वो बौखलाहट तो नहीं, बिल्कुल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, लास्ट में खंभा तो ठीक रहता है लेकिन उसका नखून खत्म हो जाता है। अच्छा, बताए ना, कमजोर आदमी तब थकता है जब वो हार जाता है, बहादुर आदमी तब थकता है जब वो जीत जाता है। आखिर चल भाई हम अपना मंजिल पूरा कर लिया, आराम करते हैं, उसके बाद फिर वो रहेगा लाइन में, सर्किल में, पब्लिक के बीच में वो बराबर रहते हैं, जिसका नाम है पप्पू यादव। पब्लिक के बीच में बराबर रहते हैं। अरे भाई फेस टू फेस नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार कॉल कर दीजिए, आपका मदद जरूर होगा। चलिए बहुत बढ़िया। आप ये कह रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, है कि नहीं? हाँ, क्या बोला? पप्पू यादव यहाँ से कोई बिहार का और कहीं का पप्पू यादव का फोन चले जाए, आप दिल्ली एम्स में इलाज करके 500 रुपये 200 रुपये में आ सकते हैं। ऐसा नेता है, वैसा नेता को जीतना सख्त जरूरी है, जरूरी है, जनता उसके साथ है, वो जीतेगा। चलिए आप बोल दीजिए, क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पर? उसमें हम क्या कहेंगे, हमारे पूर्वज कबीर दास लिख के गए हैं कि तेरे कबीर कहा कि तेरे राज में उल्टी है रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे शिक्षित मांगे भीख। तेजस्वी तो कल का बच्चा है, अब पप्पू यादव के सामने मुकाता कि एनडीए भीतर से तो मिला नहीं उसको रहता, उसको तो डर है कि सीमांचल हड़प लेगा पप्पू यादव। जाओ तो कोई भी आदमी जाके देखे कि तेजस्वी के डेरा पर मुलाकात करके तो देखे, आ पप्पू के डेरा पर खाने के लिए मिलेगा, उसका हमेशा जो है गेट खुला रहता है, आदमी आराम करता है, सब सब उसका अरबी पैरवी सब। यादव किसी से मिलते नहीं है? अरे कहाँ कहाँ पर है दरबार उसका जहाँ मिलेगा वो, कोई बता दे बिहार का, जब से वो पैदा हुआ तब से देखे हैं। यादव के यहाँ जितना कुत्ता खाया होगा भोज, उतना तो उसके भोज में इंसान को नहीं भोज मिला होगा। अभी भी जाके देखो खुर्दा में अर्जुन भवन में, ये तो आरोप लगा रहे हैं आप। अरे आरोप है, आप ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव के भोज में कुत्ता जितना नहीं खाया होगा उतना इंसान आदमी उसके भोज में नहीं खाया होगा। वो सब आदमी है, बेकूफ बना करके राज कर रहा है पप्पू यादव के। विश्वास यात्रा में आप लोग लाइन पे थे, पूरा नंबर लगे हुए थे। अरे बिहार का जो है ना केसर हिंद पप्पू यादव है,
उसको चाहता शेरे हिंद। अरे कैसर हिंद है बिहार का, कैसर हिंद। हाँ, आ इसको चाहता कि डोमिनेशन कर खत्म करके अपना झूठों से उल्लू सीधा करे। पप्पू यादव जब आया वो कोरोना घन संकट में, पप्पू यादव पूरा एम्बुलेंस को फ्री किया, अगला जेल जाने के लिए वो अरेस्ट करा लिया। वैसा नेता चाहिए चाहिए, अब जरूरी है उस नेता को आना। आप भी बोल दीजिए, क्या बोलेंगे, कुछ बोलेंगे आप? हम की बोल, अरे बोल दीजिए भैया, कैसा है, कैसे नेता है पप्पू यादव जी? तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर मुझे वोट नहीं देना है तो मत दो। जो मेरे सबसे चीर प्रतिद्वंदी है, जो है जो सबसे बड़े उनके दुश्मन मानते हैं, वो बीजेपी को पॉलिटिकली मानते हैं दुश्मन, वो तो बोलते हैं उनको वोट कर दो लेकिन पप्पू यादव को मत करो। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव एनडीए गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? पूर्णिया का धरती से पप्पू यादव को कोई हिला नहीं सकता है, समझते हैं? पूर्णिया का धरती पप्पू यादव का है, पूर्णिया में तो पप्पू यादव जीतेगा, ये सोच ले। चलिए आप बता दीजिए, आप कुछ बोलेंगे इस पर भैया? हेलो, हाँ बोलिए। तेजस्वी के तरह जो है ना, कभी दुनिया में भारत वर्ल्ड में ऐसा नेता तो है कि जो लालू जी भी कभी भी यादव यदुवंशी को पनकलिए नहीं देता है। अच्छा। अभी तक में कोई यदि वर्चस्व नेता आएगा तो हो सकता है मुख्यमंत्री छीन तो ना ले। हाँ। अभी तो मुख्यमंत्री बना है नहीं। हाँ। लेकिन पप्पू यादव ऐसा लोग है, बिन एमपी का दिल्ली एम्स और पटना उस शख्स से उसके जाति बाद नहीं है, कोई भी जाति क्यों नहीं जाए, उसके मदद हर संभव मिलता है और हर संभव होता है। इसलिए दुनिया में सबसे अच्छा नेता पप्पू यादव है। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार यादव नाम हुआ। ओहो, आप भी यादव जी हैं, देखते हैं यादव और मुसलमान बैठे हुए हैं, है? बड़ा प्रेम आप लोगों में। प्रेम क्यों नहीं रहेगा, ऐसा थोड़े होता है कि राजा का बेटा राजे बने, कहाँ का अंधा करना। लालू जी का तो देन है ये, लालू जी का देन है तो ऐसा देन नहीं है। एम हो गया इधर, वाई हो गया इधर, एम हो गया उधर वाई हो गया, ऐसा नहीं है कि जो कोई जो अच्छा काम करता है किसी का बेटा उनको वोट मिलना चाहिए, कोई भी एमपी हो जो सक्रिय हो, जाति कोई क्यों नहीं हो, संघर्ष करने वाला को वोट होना चाहिए। तो पप्पू यादव पूर्णिया में जातिवाद नहीं है, और पूर्णिया ऐसा चीज है कि जो कोई जाति नहीं है पप्पू जी के लिए, और नेता अच्छा इसलिए तब ना लोग पागल हो गया है। सही बोले आप, बता दीजिए बाबा बड़ा, देखते जिलेबी खा रहे हैं आप? जिलेबी खा रहे हैं भाई, मुझे जिलेबी क्या बोलेंगे, पप्पू यादव संघ नेता कहीं ना कोई है। आप लोग ये बोल रहे पप्पू यादव, जबकि हम क्या घोर के पिला दे पप्पू यादव आप लोगों को? जब हमारा परिवार सख्त बीमार था तो लोगों ने बोला जो जाओ पप्पू यादव लोग कुछ मदद होगा, वहाँ जब हम गए जरूर मदद किया पप्पू यादव, बॉडी गार्ड को कहो कहा जे दो इसको टका, इतना टका दो ये जाएगा दिल्ली एम्स, हम इसको इलाज फ्री में करवा देंगे, मैं क्या करेंगे। जब तक मैं हम घर आए तब तक वहाँ परिवार हमारा डेट कर गया, टका भी दिया आने के लिए। माज बहुत सख्त नेता है ये पप्पू यादव, पप्पू यादव को हम लोग जो है वोट देंगे, ऐसा बात नहीं है, चाहे उसका भाग में जो हो जाए मैं हम लोग उसको वोट देंगे पप्पू यादव। पप्पू यादव में ना तो राजपूत ब्राह्मण मुसलमान और कोई हरिजन का बैरव नहीं है, हर आदमी चाहने वाला है पप्पू यादव का, हर आदमी को वोट करना चाहिए। क्षत्रिय नेता हम भी चाहने वाले हैं, हम भी चाहने वाले हैं, अच्छा नेता है। बहुत बहुत बढ़िया। तो अभी आपने देखा सभी लोगों ने अपनी बातें रखी है, प्रतिक्रिया दी है, सभी कहना ये हुआ कि भैया पप्पू यादव से अच्छा नेता कोई हो ही नहीं सकता है, इसीलिए जो माहौल बना है उसको देखते हुए तेजस्वी यादव बौखला गए हैं और वो सोच नहीं रहे कि क्या बोल रहे हैं। एक परिपक्व नेता होने की वजह से इस प्रकार की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसा इनका सभी का मानना है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त, नमस्कार, सब बखैर।